अरश्य दर्शा रखा है, हनुमान जी पीछे है, हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे गुफा। जब रामायण में आपने देखा होगा ताड़कासुर और पीछे लक्ष्मण जी ताड़का वध युद्ध करते हुए, वो दृश्य है। शक्ति मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर में ही गुरु नानक देव जी, महाराणा प्रताप, महाराज अंगेजन, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। काम बहुत ही बढ़िया लगा। अरे अरे, नाइस टू मीट यू ब्रदर। सभी का एक नए वीडियो ब्लॉग में मैं आपका अपना पंकज कुमार चौधरी। आई होप आप मस्त होंगे, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। मैं हूँ हरिद्वार और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हर की पैड़ी के दर्शन किए थे, तो इस ब्लॉग में मैं इस एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊँगा मंदिर हरिद्वार से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं शांति कुंज की ओर। आपको लेके मंदिर की ओर, यहाँ पे सारे फेमस हरिद्वार के भारत माता मंदिर से लेकर शांति कुंज की ओर सभी तरह, ठीक है। तो अपन चल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जाम है और कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। एक नई ऊर्जा के साथ हरिद्वार का डेवलपमेंट हो रहा है, रीडेवलपमेंट काम चल ही रहा है, बहुत बढ़िया। एक दिन बहुत सही चीज़ हो जाएगी ये पुल वुल बनते हुए। अब एक बार रोड क्रॉस कर लेते हैं हम, ठीक है। हरिद्वार है, यहाँ पे देश के क्या विदेश के हर एक कोने कोने से लोग आते हैं, ठीक है। तो फील है भाई, प्राउड है। मैं वही तो कह रहा था कि प्राउड है कि हम सनातन धर्म से हैं, प्राउड है। आप देख सकते हो कुछ राजस्थान से आए हुए लोग जा रहे हैं अपने घरों को। चलो चलते हैं हम लोग आ रहे हैं। माता मंदिर जिस प्रवेश द्वार कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है मंदिर। अद्भुत नज़ारे ये देखो। जब रामायण में देखा आपने, हनुमान जी पीछे है, श्री जामन जी और वो विभीषण जी, और सामने ये दर्शा रखी है लंका, और हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, मूर्छित हो गए थे श्री। और मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान जी गाय का दूध पीते थे ना चोरी से, और माता यशोदा जी डंडे से मारती थी, तो उस दृश्य को किस तरह से ने यहाँ पर दर्शा रखा। मैं आपको दृश्य की मैं बात कर रहा था, आप ये देखिए। भगवान श्री कृष्ण चोरी से गौ का दूध पीते थे, यशोदा मैया ने देखकर डंडे से डरा रही थी। अब देखो डंडा कैसे डरा रही है, आप देख सकते हो डंडा, ये देखो माता यशोदा का डंडा, देखो कैसे चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान जी दूध पी रहे थे और उनके भाई बलदेव जी खड़े उधर। जैसे ही आप हरिद्वार के अंदर एंट्री करते हो हर की पैड़ी घूमने के बाद, जैसे ही आप भारत माता मंदिर के मंदिर की साइड आते हो, उससे पहले ही नज़दीकी पहले ही पड़ता है बेला माता मंदिर, जिस मंदिर में मैं हूँ। और एक से एक भव्य रूप माता और भगवान के मैंने प्रदर्शनकारी मूर्तियाँ लगा रखी है, जो एक ही अद्भुत चीज़ें दृश्य दिखा रही है। आप ये शायद हमें देखने को नहीं मिलती कभी चीज़ें जो इस मंदिर में है। ये देखिए, रामायण में आपने देखा होगा ताड़कासुर एक राक्षसनी थी, वो थी। तो ऋषि मुनि जब उन्हें बोलते हैं श्री राम को और पीछे लक्ष्मण जी ताड़का वध युद्ध करते हुए, वो दृश्य है ये जी हुए थे, ठीक है। कारागर में देवकी वासुदेव नारायण का दर्शन, ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर, लेट्स गो। मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट मंदिर। मैं पहुंच चुका हूँ संत सरोवर मार्ग है इस जगह का नाम, और भूपत वाला यहाँ पर बोलते हैं जगह को, ठीक है। बहुत सारे मंदिर है स्ट्रीट साइड में, बहुत सारे मंदिर, फेमस मंदिर हैं। भारत माता मंदिर है, गुरुचरण आश्रम है, ठीक है। इस वाले एरिया में टोटल मंदिर ही मंदिर हैं, और प्लीज़ आएँ, और बहुत ही अच्छे दुर्लभ नज़ारे वाले मंदिर हैं। आश्रम का नाम ले रहा था
श्री गुरुचरण आश्रम ये रहा फेमस। आगे तक ये देख सकते हैं बड़ी सी व्हाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये देखो भारत माता मंदिर। कोशिश करता हूँ चीज़ें कैप्चर हो जाएं, बन जाएं, ठीक है, जो आपको दिखा सकूँ मैं। लेट्स गो, चलते हैं आगे, आगे लेके चलता हूँ मंदिर। अभी हम भारत माता मंदिर पहुंच गए हैं, और तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, शूर मंदिर, मृत मंदिर, संत मंदिर, सुंदर और शक्ति मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर। तो मंदिर का प्रवेश द्वार है कुछ इस प्रकार, चलिए चलते हैं, लेट्स गो। जय श्री राम। मैं आ गया हूँ अभी भारत माता मंदिर। चलो, बहुत अच्छी बात ये है कि इस मंदिर में हम कैप्चर मोमेंट कर सकते हैं। चलो घुमा के लाता हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। यहाँ पर है जूता स्टॉल, शू स्टॉल। चलो अपनी स्लीपर देते हैं। तो हुआ ये कि यहाँ पर लिफ्ट में जाने के लिए 5 रुपये वाला कूपन मिलता है, वो हमने ले लिया है। अब हम लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। एक बार नज़ारा मंदिर का, ये है भारत माता, जय माता दी। और मंदिर का कुछ नज़ारा इस प्रकार। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लिफ्ट। तो मैं लग चुका हूँ लिफ्ट की लाइन में, धीरे धीरे लिफ्ट जा रही है ऊपर। कुछ इस प्रकार लिफ्ट ये हो गई है बंद, यहाँ से जाएगी ऊपर। तो अभी हम हैं लाइन में। हम लोग आगे लिफ्ट से ऊपर, और पहला मंदिर है विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर का नज़ारा है कुछ इस प्रकार। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ये जितने भी मूर्ति है सब विष्णु भगवान जी की। पहला मंदिर जो हमारा था विष्णु मंदिर, वो हमने देख लिया है, ठीक है। एक बार मैं मंदिर से नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। ये देखो सामने गंगा नदी। सो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा शिव मंदिर। चलो बोल बम 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 बम, शिव मंदिर की, मंदिर की, और बोल शंकर भगवान की जय, जय बाबा भोले, तुम ही हो बस करते धरते, सबको ठीक ठाक रखना, और YouTube फैमिली के परिवार को भी और इनको भी सबको ठीक ठाक रखना। बोल शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट मंदिर है शांति मंदिर, सरस्वती माता को प्रणाम, यमुना माता को भी प्रणाम, मीनाक्षी माता को भी प्रणाम। जैसे ही मैं वहां पर मंदिर में बैठा, आराम से मैं बैठने के बाद मुझे फील हुआ कि कुछ कुछ है, एनर्जी है कुछ, जो मुझे कुछ अलग ही फील कर रही थी। लाइक शरीर में कुछ करंट सा फील हो रहा था, और कुछ एनर्जी पॉजिटिव सी आ रही थी, कि कुछ अच्छे से कुछ करने का मन कर रहा था, कि हाँ कुछ जो मुझे ऐसा लग रहा था, जो मैं कुछ करना चाह रहा था ना, जो मैं कर रहा था, वो मुझे लग रहा था कि हाँ वो मेरी बैठती है, ठीक है। तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में आके। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सनातन धर्म से हूँ, और यहाँ आकर मैं अपनी संस्कृति को देख रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसी बात पर सनातन धर्म की जय, बोल शंकर भगवान की जय। अच्छे चलते हैं मंदिर की साइड। हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फ्लोर से नीचे आ गए हैं, फोर्थ फ्लोर पे चले गए हैं, अब हम चलते हैं नीचे। चलिए लेट्स गो, देखते हैं नीचे क्या है, ठीक है। आ गए हैं संत मंदिर। जितने भी संत हैं, महान संतों को प्रणाम हमारा, जैसे गौतम बुद्ध, ये सभी को, महावीर स्वामी, इन संतों को हमारा प्रणाम, इनको भी प्रणाम। गुरु नानक देव जी, इनको भी प्रणाम, और ये गुरु गोविंद जी, इनको भी प्रणाम, इन सारे संतों को हमारा प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि, इनको भी हमारा प्रणाम। जो फ्लोर था वो संत मंदिर थे। जितने भी हमारे भारतवर्ष के जितने भी महान संत हैं, उन संतों को दर्शाया गया है, उनके बारे में बताया गया। सो चलते हैं और नीचे। ये है शूर मंदिर, बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुम्हें दिया देश को जीत,
वो जीवन देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। कई बार रामधारी सिंह दिनकर, क्या लाइन लिखी है। तो यह है सूर मंदिर। सबसे पहले हमारे श्री श्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, शुभली राम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्रीमान, इनको तो आप जानते ही होंगे। हर नोट पे इनका नाम, गांधी जी, महाराणा प्रताप, महाराजा अंग्रेजन जी, और ये श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज जी, झांसी की रानी, शहीद भगत सिंह, जय हिंद सर, चंद्रशेखर आज़ाद, जय हिंद सर। ये मूर्तियां हैं जिन्होंने हमारे देश में जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, जहां आज हम खड़े हैं। क्रांति वीरों का जीवन समापन होने के बाद जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, जहां हम खड़े हैं। बोलने की आज़ादी है और अपना मान सम्मान रखने की आज़ादी है। हमें बोलने का अपना हर तरह का हक इन लोगों ने दिलाया है, तो इनको एक मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सलूट बनता है, जय हिंद। और इनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ, अपने देश में हूँ, मेरी पहचान है, भारत देश की पहचान है, इनके हम आभारी हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पैसे वसूल, एंजॉय द डे। फाइनली मंदिर की रिव्यू देता हूँ। मंदिर का रिव्यू इस जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली है और जो मुझे लगा है कि हाँ मैं गलत कहाँ सही था, क्या चीज़ थी जो मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो चीज़ें मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, मैं उसको क्या ही विचार रखूँ, क्या ही विचार दूँ। आप आएँ, चीज़ें देखें और थोड़ा सा अपना जीवन का कीमती समय दें। हरिद्वार के अंदर आए, भारत माता मंदिर आए, आकर बैठें, चीज़ें देखें, समझें। जो पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ मिलेगी, मैं मानता हूँ आपको वो पैसों से कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो हम चलते हैं घर जाके मिलता हूँ, तब के लिए